आज का दिन विशेषकर झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि आज झारखंड में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज झारखंड आई है। तो एनडीए के प्रत्याशी बनाने पर के लिए मैं देश के तो नहीं बल्कि वैश्विक नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीए के नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ भारी मतों से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतेगी, इसके लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्रौपदी मुर्मू के साथ दिख रहा सर? नहीं, देखिए मैं आज़ादी के जहाँ 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत दिवस मना रहे हैं, और इस आज़ादी के आंदोलन में हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी देश के लिए खून बहाया। 75 वर्ष के बाद उस गरीब आदिवासी पूर्वज के एक आदिवासी महिला को देश का संवैधानिक पद पर नामित करना सर, ये मोदी जी का नया भारत का इस स्वरूप है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 साल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ एज ए गवर्नर काम करने का जो सुखद अनुभव था, इनके पास प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ सार्वजनिक जीवन इसकी प्रेरणा लायक है, इसका लाभ देश को भी जरूर मिलेगा। बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।